हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब घर पे होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में ग्लोइंग स्किन के बारे में। अगर आपके स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डल पड़ गई है, चेहरे से ग्लो चला गया है, स्किन जो है बहुत ज़्यादा रफ लगती है, ड्राई लगती है और आपके स्किन पे काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बे हैं, तो ये जो वीडियो है ये वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी रेमेडी के बारे में जो कि आपके स्किन को काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग बनाने में तो हेल्प करेगा ही, इसके साथ ही इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं जो कि हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी ये रेमेडी है, किस तरह से बनाना है, किस तरह से लगाना है, ये सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आगे अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल का बटन है उसे हिट करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियो हैं इन सारी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में और देखते हैं किस तरह से इस रेमेडी को प्रिपेयर करना है। तो इस फेस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर चाहिए वो है आमंड्स यानी कि बादाम, और यहाँ पे किशमिश की ज़रूरत होगी। तो हमें यहाँ पे 4 से 5 बादाम ले लेने हैं और उसके साथ हमें किशमिश भी लेना है। इन दोनों को आप चाहें तो एक साथ या फिर आप चाहें तो अलग अलग दोनों को सोक करके रखना है आपको पानी में। तो इसे आपको रात भर सोक करके रखना है या फिर मिनिमम आपको 5 से 6 घंटे इसे पानी में सोक करके रखना है, ताकि बादाम और जो किशमिश है दोनों अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे मैंने ओवरनाइट से सोक करके रखा हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट डे आपको करना ये है कि आपको बादाम का जो छिलका है वो उसे हटाना नहीं है बिल्कुल भी, आपको ऐसे ही बादाम ले लेना है और ये जो किशमिश है इसे भी ऐसे ले लेना है दोनों को ले के। इसके बाद आपको करना ये है कि इसे अच्छे से ग्राइंड करना है यानी कि पीसना है। तो अब जब आप इसे पीसेंगे तो बहुत कम क्वांटिटी में यहाँ पे किशमिश है और बादाम है, तो इन्हें पीसने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा दही ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो रॉ मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दही का यूज़ किया हुआ है, दही के साथ मैं इन दोनों को अच्छे से पीस लूँगी। अब जब दोनों को हम पीस लेंगे, पीसने के बाद ये तब भी बहुत ज़्यादा फाइन सा नहीं बन पाएगा, तो आपको करना ये है कि इसे हल्का सा आपको किसी भी स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेना है। जब आप छानेंगे जो लिक्विडी जो रहेगा आपका पैक वो अलग हो जाएगा, और जो थोड़ा सा दरदरा सा होगा वो अलग हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएगा, जो लिक्विडी सा है वो अलग हो जाएगा। तो इसे हम अलग रखेंगे, इससे हम पैक बनाएंगे और जो दरदरा सा बचा हुआ है उससे हम अपना स्क्रब तैयार करेंगे। तो अब हमको यहाँ पे करना ये है कि पहले हमें यहाँ पे अपना स्क्रब तैयार कर लेना है। तो हमने जो छान के अलग रखा है रेजन, और यहाँ पे हमने जो आमंड जो रखा हुआ है छान के, इसमें हम करने वाले हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉफ़ी ऐड कर देंगे, कॉफ़ी ऐड करेंगे। उसके बाद इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद पहले हम अपने चेहरे की करेंगे स्क्रबिंग। स्क्रबिंग करने से होगा ये कि आपके सारे पोर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे और इसके साथ ही वो क्लीन भी हो जाएंगे, और आपका जो स्किन है वो सेकंड स्टेप के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम पहले स्क्रबिंग करेंगे। यहाँ पे आपको और भी कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ इन तीनों चीज़ों को लेना है और आपको अपने चेहरे की स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग करनी है आपको 2 से 3 मिनट, बहुत जेंटल हाथों से कीजिएगा, हल्के हल्के हाथों से कीजिएगा। तो यहाँ पे पहले मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ। स्क्रबिंग करके 2 से 3 मिनट के बाद आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है। तो अब हमने स्क्रब कर लिया है, स्क्रब करके हमने फेस को वॉश कर लिया है, तो अब जो हमारी स्किन है वो हमारी स्किन तैयार हो चुकी है सेकेंड स्टेप के लिए, यानी कि यहाँ पे हम मास्क बनाने वाले हैं, फेस मास्क। तो जो हमने अलग करके रखा हुआ था आमंड का और रेजिन का जो ये पैक, तो इसे हम अब फेस पैक बनाने वाले हैं इसी को यूज़ करके। तो इसमें हम ऐड करने वाले हैं थोड़ा सा हनी ऐड करेंगे, और इसके साथ मैं ऐड करने वाली हूँ यहाँ पे बेसन। बेसन और हनी ये दोनों हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। हनी जो है अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई रहती है, आपकी स्किन से ग्लो चला गया है, उसके लिए हनी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, पिंपल है, इन सब के लिए बेसन जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे मैं हनी ऐड कर रही हूँ, हनी मैंने 1 टीस्पून जितना ऐड किया है, और इसके साथ मैं बेसन भी ऐड कर रही हूँ। अब जिन लोगों को बेसन सूट नहीं करता है वो क्या यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे चाहे तो चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं,
नॉर्मल आटा जो है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बेसन और जो भी आटा यूज़ कर रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत रनी है, उसे थोड़ा सा थिक बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ इनकी गुडनेस भी इसमें आ जाएगी। तो आप यहाँ पे चावल का आटा या फिर नॉर्मल आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिक्स करके आपको इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करना है, अप्लाई करना है अपने चेहरे पे और नेक पे, दोनों में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको इसे 10 से 15 मिनट के लिए फेस पे इसी तरह से रहने देना है। जब आप 10 से 15 मिनट आप इसी तरह से चेहरे पे रहने देते हैं, इसके बाद आपको इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे अपने चेहरे पे अप्लाई कर लिया है, तो यहाँ बादाम जो है और यहाँ पे जो किशमिश जो है ये आपके स्किन को काफ़ी अच्छा ग्लोइंग बनाने में हेल्प करने वाला है। बादाम जो है इसमें वाइटमिन ई होता है, ये भी आपके स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देता। अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी तो आपकी स्किन जो है वो काफ़ी अच्छी होगी, ग्लोइंग होगी। इसके साथ ही जो फाइन लाइन्स और रिंकल्स जो होते हैं वो ड्राई स्किन पे ज़्यादा नज़र आते हैं। अगर आपकी स्किन जो है हाइड्रेटेड रहेगी, मॉइस्चराइज्ड रहेगी, तो आपकी स्किन पे फाइन लाइन्स और रिंकल्स जो है वो जल्दी नहीं आएंगे या फिर जल्दी नहीं दिखेंगे। और रीज़न जो है यानी कि किशमिश जो है ये आपके स्किन को काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग बनाने में हेल्प करेगा, इसके साथ ही आपको यंगर लुकिंग स्किन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो ये जो पैक है ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे मेरा जो पैक है वो ऑलमोस्ट सूख चुका है, अब मैं इसे वॉश कर लूँगी। वॉश करके उसके बाद आपको इसका रिज़ल्ट भी यहाँ पे मैं शो करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको रिज़ल्ट दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट। इसका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अमेजिंग आता है, काफ़ी अच्छा मिलता है। पहले बार में ही आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है, क्योंकि इसमें बादाम और किशमिश है, इससे ही आपको पता चलता होगा कि इसका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो एक बार आपको इसे लगा के ज़रूर ट्राई करना है, ट्राई करके देखना है, बहुत अमेजिंग और बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं इसके। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इस फेस मास्क को लगाने के पहले और लगाने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये फेस मास्क नहीं बल्कि किसी भी फेस मास्क को लगाने के पहले आपको हमेशा अपने फेस को क्लीन कर लेना चाहिए। आपके फेस पे कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑयल नहीं होना चाहिए, जो भी आप ऑयल लगाते हैं या फिर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं ये नहीं होना चाहिए, स्वेट नहीं होना चाहिए, डर्ट नहीं होना चाहिए। तो आप हमेशा अपने फेस को क्लीन कर लिया कीजिए। इसके लिए आप चाहें तो रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी क्लिनज़र का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है। उसके बाद ही आप अपना फेस मास्क लगाइए। तो इस वाले फेस मास्क में पहले हम स्क्रब करेंगे, उसके बाद फेस मास्क लगाएंगे। तो आप पहले स्क्रब कर लीजिएगा। इसके बाद फेस मास्क लगाने के बाद जब अपने फेस को आप वॉश कर लेते हैं, तो वॉश करने के बाद एक अच्छा सा टोनर और मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए। जब आप फेस मास्क लगाने के साथ साथ ये भी स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो इससे आपको जो रिज़ल्ट है वो फास्ट मिलता है, बेटर मिलता है और जल्दी मिल जाता है। तो हमेशा अपने स्किन को क्लीन करने के बाद फेस पैक लगाइए, और फेस पैक लगाने के बाद एक अच्छा सा टोनर और मॉइस्चराइज़र लगाइए। इससे जो है आपके फेस मास्क जो है, जो भी आपको इससे बेनिफिट होने वाला है, वो लंबे समय तक आपके स्किन पे बरकरार रहेगा। तो इस तरह से आप भी इस फेस मास्क को लगाइए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल रहा है, तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का जो बटन है उसे ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले जितनी भी वीडियो है इन सारी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।